Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। जीरो ने पॉजिटिव केसेस 7 रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। थोड़ा एक्टिव केसेस हैं, एक पर एक डेथ शामिल है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 90 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीआईडी जिस तरह से छानबीन कर रही है दिव्या हागरगी और दूसरे लोगों पर। दिव्या हागरगी ने कहा कि मेरे जो अच्छे काम हैं वो लोगों को दिखाई है। उसके अलावा सीआईडी काफी तौर पर अलग अलग लोगों से छानबीन कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने करीबी स्टेट तेलंगाना की, जहां पर 4 दिन तक आने वाली जगहों पर अलग अलग लोकेशंस पर आईएमडी ने येलो अलर्ट इशू किया है, यानी कि येलो अलर्ट यानी कि बारिश वहां पर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए कर्नाटक, क्योंकि गुलबर्गा भी हैदराबाद से करीब है तो यहां पर भी मौसम दोपहर में बदलते जा रहा है। तो अगर आप अगले 48 आवर्स के हिसाब अगर देखें तो आदिलाबाद में 42 डिग्री चल रहा है, निज़ामाबाद में 42, रामगुंडम में 40, हैदराबाद 39 और भद्रचलम में 38 डिग्री चल रहा है। और आने वाले 4 दिन तक अलग अलग जगहों पर बारिश आ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 आज तारीख है, जी हाँ, जहाँ पर आनंदलाल स्वामी ने कहा था कि वो अगर मस्जिदों के स्पीकर्स बंद नहीं होते हैं तो फिर मस्जिदों के सामने वो हनुमान चालीसा प्ले करेंगे। इसी को चलते हुए कोशिश की जा रही थी अलग अलग मस्जिदों के सामने, लेकिन जगह सर्कल पर सभी रामसेना के एक्टिविस्ट को रोका गया और उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट ने डिटेन किया। यानी पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तौर से इस चीज़ पर काबू पा लिया है और उन्होंने ऐसे कोई भी मिसचीवियस चीज़ होने नहीं दी। उसके अलावा सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मस्जिद के अतराफ अलग अलग जगहों पर उन्हें ठहरा और इस तरह की एक्टिविटी नहीं होने देना, और के जो खुले तौर पर चैलेंज कर दिया है वापस से आनंदलाल स्वामी और सभी फैसिस्ट फोर्सेस को कि हम सब एक हैं, जहां पर दलित सेना भी शामिल है और सभी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, पॉलिटिकल पार्टी सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह की नफरत फैलाने वाली चीज़ों को उन्होंने दूर कर दिया है। आइए सुनते हैं सभी पॉलिटिकल लीडर्स की जुबानी। बसवराज बोम्मई जी, आप अपने मुँह से निप्पल निकालिए, निप्पल निकाल कर आप अपना काम करिए। तुझे अगर राज धर्म का एहसास है तो ऐसे चोरों को, ऐसे स्वामियों को जूते से मारकर ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम हुकूमत कर रहे, सिर्फ कानून का लिहाज कर रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले श्री राम सेने के लोग, कोई माइकल लाल यहाँ एक भी नहीं है। जो हिंदू आतंकवादी लोग हैं तुम अकेले पड़ गए हो। फेसबुक अंधोला मुतिया फेसबुक पे आकर भोंकता है, कम्युनिटी में नफरत पैदा करता है और डर कर दुम दबा कर भाग जाता। तो ये जो सिद्धलिंगा स्वामी है, ये हेट मॉन्गर, ये एक टेररिस्ट है, ये हिंदुओं के नाम को बदनाम करने का काम कर रहा है सिद्धलिंगा स्वामी। जो बीजेपी चाहती है वो कर रहा है, जो अजाने होती है ये अजाने रोजे अजल से हो रही है और रोजे कयामत तक हर एक मस्जिद की मीनार से अजानों की आवाजें बुलंद की जाएंगी। सिद्धलिंग स्वामी तेरा चलने नहीं देंगे, कमिश्नर तैयार है तेरे को लेके जाके जेल में डाले। 24 से 25 केसेस इनके ऊपर हैं, इवन देशद्रोही मुकदमे हैं इनके ऊपर, फिर भी अभी तक इनको तड़ी पार नहीं किया जा रहा। ये सिद्धलिंग स्वामी जी का शिष्य लोग कोई है तो आकर यहाँ पटन करे बोल के, ये हिंदू आतंकवादियों को जो टक्कर देने के लिए दलित सेना की बाबा साहब अम्बेडकर राइट्स जो नीली पड़े टीम है, ये लोग हम सिद्धलिंगा तू इनसे टक्कर करके फिर बाद में मुसलमानों को बात करो। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन में, जहां अब्दुल रहीम पटेल साहब का क्या कहना है। उन्होंने भी आनंदलाल स्वामी के खिलाफ एक बयान दिया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आपको गालियां दो, इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाओ, मैं हिंदू लीडर हूँ, हिंदू लीडर हूँ बोलकर बोलता है कि कोरोना के टाइम पे तेरा वो हिंदूपन कहां गया? हिंदू का लीडर बनने के लिए बीजेपी का लीडर बने, क्या मुसलमानों को गालियां दो, इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाओ, मुस्लिम के हिजाब के ऊपर बात करो, गुलबर्गा साउथ में बीजेपी एमएलए अपू गौड़ा और ये चंदू पाटिल जो नॉर्थ का एमएलए कैंडिडेट का दावा कर रहा है और वो बोलता है कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, ये इत्तेफाक है, मैं मुसलमान को अपनी माँ समझता हूँ, वो भी बाहर आकर कह लूँ कि आनंदलाल स्वामी के खिलाफ स्टेटमेंट देना है। चीफ मिनिस्टर बोम्मई उसको आज साथ में बाजू बिठाकर रिसेंटली बाजू बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है, तकरीबन 200 करोड़ का घपला है। ये पूरे घपलों को छुपाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट इसको सोचा छोड़ के कह लूँ ये माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है।
उसके बाद हम बात करते हैं गुटबाग पॉलिटिक्स में मेजर चेंज आ चुका है। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ अब वापस से AIMIM ज्वाइन कर दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने जो पोस्ट उन्होंने छोड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का कुछ महीने पहले, जो कि चर्चा चल रही थी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने दारुसलाम को ही पकड़ा और असद नवीसी से उन्होंने मुलाकात की और वापस से पार्टी ज्वाइन कर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पोस्ट उन्होंने वापस लिया है। अब आने वाले वक्त के अंदर देखना यह होगा कि अब्दुल रहीम मिर्ची डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने से क्या वातावरण बदलता है और क्या मामले होते हैं। आखिर में हम बात करते हैं हैश बॉक्स की। हैश बॉक्स के अंदर अपना पहला टूर्नामेंट जो है प्री लॉन्च के मौके पर टूर्नामेंट खिलाया गया था, जहां पर 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, गुलबर्गा बुल्स, KBN वॉरियर्स और 90s लेजेंड्स। और गुलबर्गा बुल्स फाइनल में आए थे। ये फाइनल मैच वन साइडेड चल रहा था, गुलबर्गा लेजेंड्स इसमें काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स अजीम पटेल ने खेली। जी हाँ, अजीम पटेल स्पाइकर और फ्लाइंग मशीन के जो ओनर हैं, सभी फ्रेंड्स साथ इन्होंने ज्वाइन किया था। जिब्रान गोला और गोला फैमिली भी यहाँ पर मौजूद थी, सभी फ्रेंड सर्कल। इसके अंदर हसन ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में काफी अच्छा एफर्ट डाला था गोहैश के चलते हुए हैश बॉक्स के अंदर, और 6 बॉल में होना था 9 रन और 1 बॉल के अंदर ड्रामेटिक 3 रन होना था जहां पर छक्का मारा गया, और इसी को चलते हुए गुलबर्गा बुल्स को ये जीत हासिल हुई। और ये इनॉग्रल जो है, बहुत जल्द ये हैश बॉक्स को ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है। इसकी इनॉग्रेशन के लिए सैयद अली अल हुसैनी साहेब प्रो चांसलर KBN यूनिवर्सिटी हैश बॉक्स में रहने वाले हैं। स्पेशल ईद ऑफर ला रहे हैं हैश हिल्स पर, जहां पर आपको मिल रहा है प्लॉट बुकिंग पर 20,000 रुपये तक ऑफ। जी हाँ, ₹3 लाख में प्लॉट आ रहा है, लेकिन ईद स्पेशल 1 वीक का ऑफर रखा गया है, जहां पर आपको प्लॉट पर 20,000 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। हैश हिल्स एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर आपको हिल व्यू मिलेगा और साथ साथ एक्सोटिक लोकेशन जहां पर आप फील ग्रीन और फील बेटर करेंगे। जी हाँ, हैश हिल्स इट्स फैमिली टाइम। हैश हिल्स का लोकेशन आपको काफ़ी सिंपल है, हुन्नाबाद रोड, जहां पर आपने ढेर सारे ढाबे देखे हैं, वहां पर खाए भी होंगे। ताज ढाबा आपने देखा, उसके बिल्कुल आगे आपको हिल टाउन रेस्टोरेंट मिलेगी, उसके बिल्कुल 1/2 किलोमीटर पर आपको स्वामी समर्थ टेम्पल है, उसके बिल्कुल अपोजिट रोड से बिल्कुल करीब ये लेआउट है, रोड अप्रोच लेआउट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक नया क्रिकेट बॉक्स ग्राउंड भी वहां पर बना है और ढेर सारे लोग ऑलरेडी वहां पर आ रहे हैं और खेल रहे हैं। यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको है जहां पर आपको टार रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, प्लांटेशन, बॉक्स ग्राउंड, कैफे और विद CCTV सर्वेलेंस आपको ये सारे चीज़ें मिलेंगी। तो देर इस बात की है, अभी बुक करें, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं हैश हिल्स पर। तो देर ना करें, स्क्रीन पर नंबर्स पर कॉल करें और अपने प्लॉट को, अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे हम एजुकेशन से ला रहे हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। एरिस्टोटल का ये कहना है कि जो जड़ें होती हैं एजुकेशन की, वो जो है बिटर होती हैं, खट्टी होती हैं, लेकिन जो फ्रूट्स ऊपर जो लगते हैं वो मीठे होते हैं। यानी एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सबको एजुकेट होना चाहिए, एक दूसरे को एजुकेशन के लिए हेल्प करना चाहिए, और जो काबिल बच्चे हैं उन्हें आप प्रमोट करें, सपोर्ट करें, जो फाइनेंशियली वीक हैं उन्हें भी आप सब मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। दिल्ली बुलेटिन को ढेर सारा आपने प्यार दिया है, खास करके थॉट ऑफ द डे को, तो हमने इसे और इंटरेस्टिंग बनाया है। अगर आपके पास जो बच्चे हैं जो थॉट ऑफ द डे बोलना चाह रहे हो, तो डेली बेसिस पे आपका वीडियो आ सकता है हमारी बुलेटिन के अंदर। जी, आपको कुछ कराने होगा, आपको अपना फोन लेना है और पोर्ट्रेट मोड में आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, जहां पर आपको थॉट ऑफ द डे बोलना है, और जो आपने थॉट लिया है उससे आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट करना है। यानी कि आपके बच्चे जो भी रहेंगे या आपके जो भी रिलेटिव्स रहेंगे उस बुलेटिन को देखेंगे भी, और साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट भी जगेगा, साथ ही साथ बच्चों के अंदर हिम्मत भी आएगी, यानी आपको डेली बुलेटिन के अंदर आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज सेंड योर वीडियो ऑन व्हाट्सएप नंबर 9113542278। और आपको एक और एक्स्ट्रा काम ये करना है कि जो थॉट आप देकर पढ़े हैं उससे आप टेक्स्ट में या उसकी जो इमेज होती है उसे साथ में अटैच कर दें, ताकि हमारे स्क्रीन के ऊपर एक तरफ आपका वीडियो प्ले होते रहता है, साथ ही साथ नेम के साथ साथ स्कूल भी अगर आप भेजेंगे तो आई थिंक वी हैव वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, ताकि एक स्टूडेंट आ जाएगी साथ में उसका नेम आ जाएगा और साथ साथ स्कूल नेम भी आ जाएगा, तो एक बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और बुलेटिन के अंदर बहुत सारे लोग देखेंगे। और
यानी कि एक हमारा जो मकसद है कि सब लोगों के अंदर एक टैलेंट को हंट करना, टैलेंट को आगे बढ़ाना, तो आप अगर अपना थॉट ऑफ द डे देना चाह रहे हो तो जरूर दें। याद रखिए सिर्फ हम बच्चों के लिए, यानी कि कैटेगरी में स्पेसिफाई ये करना चाह रहा हूँ जो इजिली स्पीक कर सकते हैं, यानी कि सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर यू नो सिक्स सेवन एट स्टैंडर्ड तक भी जाएंगे, तो यू नो इट विल बी क्यूट ऑल्सो एंड एज वेल एज वो स्टेटमेंट भी आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपका, आपकी सारी वीडियोज का हम इंतजार कर रहे हैं हमारे बुलेटिन के अंदर, जहां पर आप दे सकते हैं थॉट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय केबीएन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डेली बुलेटिन इज पावर्ड बाय Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Suits and Sherwanis.